नीट परीक्षा में धोखाधड़ी की जांच पटना से लेकर गोधरा तक की जा रही है। 4 जून को रिजल्ट आए तो 67 स्टूडेंट्स को पूरे 720 मार्क्स मिल गए। नीट की परीक्षा के इतिहास में पहली बार इतने छात्र टॉप स्कोरर रहे हैं। इस पर कई स्टूडेंट्स ने गंभीर सवाल उठाए। पेपर लीक होने के आरोप भी लगातार लग रहे हैं। परीक्षा में धोखाधड़ी की जांच देश भर के कई राज्यों में चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धोखाधड़ी करके डॉक्टर बनने वाला शख्स बेहद खतरनाक होता है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो इसे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। छात्र साल भर मेहनत करते हैं, हम उनकी मेहनत को भूल नहीं सकते। परीक्षा के पेपर भी लीक होने की संभावना जताई जा रही है। अनियमितताओं से लाभ उठाने के लिए जांच के दायरे में आए पटना और गोधरा के परीक्षार्थियों को उनके अंकों के विश्लेषण के अनुसार असामान्य लाभ मिला है। बिहार पुलिस की जांच के घेरे में आए पटना के 13 उम्मीदवारों में से 8 को 720 में से 500 से कम अंक मिले हैं। गोधरा के 2 परीक्षा केंद्रों से आए लगभग 98% छात्रों को भी 500 से कम अंक मिले हैं, जिनकी जाँच ओमार सीट में हेरा फेरी के लिए की जा रही है। अखिल भारतीय कोटे के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट पाने के लिए 650 से अधिक या 720 अंक हासिल करना आदर्श माना जाता है। पटना के 13 उम्मीदवारों में से 4 सामान्य श्रेणी से हैं, 8 ओबीसी श्रेणी से हैं और बिहार पुलिस की ओर से उपलब्ध कराए गए 1 उम्मीदवार का विवरण एनटीए के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है। 12 में से केवल 4 को 500 से ज्यादा अंक मिले हैं और उनके परिणामों में 90% से ज्यादा अंक हासिल हुए हैं। गोधरा में जय जलाराम स्कूल की 2 ब्रांच में कुल 2514 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए और बामुश्किल 2% को 500 से ज्यादा अंक मिले हैं। कोचिंग संस्थान और परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों के बीच कथित सांठगांठ के चलते दोनों केंद्रों की जांच की जा रही है। 58 में से 8 उम्मीदवारों ने 640 से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। कुल छात्रों को अपनी ओएमआर शीट में सही विकल्प भरने में मदद मिली थी। एनटीए ने 12 केंद्रों पर पेपर देने वाले सभी छात्रों के परिणामों की जांच की, जिनके बारे में बिहार पुलिस को संदेह है कि कथित पेपर लीक से ये केंद्र प्रभावित हो सकते हैं। 12 केंद्रों में से 11 पटना में और 1 हाजीपुर में है। विश्लेषण से ये पता चलता है कि इन केंद्रों से कुल 10,352 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। कुल उम्मीदवारों में से केवल 440 ने ही 600 से ज्यादा अंक हासिल किए। 4 जून को घोषित किए गए नीट यूजी के नतीजों ने तुरंत ध्यान आकर्षित किया, जब 67 उम्मीदवारों ने 720 में 720 अंक हासिल कर लिए और कुछ उम्मीदवारों ने 718 या 719 अंक हासिल कर लिए। दावा है कि सही तरीके से परीक्षा कराने पर इतने छात्रों के अंक सेम नहीं आ सकते। 5 मई 2024 को ही नीट में 23,30,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। 4 जून को रिजल्ट आए, इसमें 67 स्टूडेंट्स को पूरे मार्क्स दे दिए गए। नीट की परीक्षा इतिहास में पहली बार इतने छात्र टॉप स्कोरर रहे हैं। अब इसको लेकर पूरे देश के नीट छात्र और तमाम शिक्षक भी आक्रोशित हैं। खैर दोस्तों, नीट परीक्षा में हुए इस कथित महा घोटाले को लेकर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी तमाम अपडेट से खुद को अवेयर रखने के लिए हमारे अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें।